राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। परिणीति चोपड़ा अपनी शादी की वजह से लाइमलाइट में बनी है। इस दौरान उनसे जुड़ा एक वीडियो सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तब परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। इस वीडियो में एक लड़की के फेसबुक पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स भी हैं, जिसमें उसने परिणीति की बातों को सिरे से इनकार किया है। उसने बताया है कि परिणीति की कही ये सारी बातें झूठी है। आज जैसी है वैसी ही परिणीता की फैमिली का बैकग्राउंड उस वक्त भी बहुत स्ट्रांग था। इस वीडियो के सामने आते ही यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सहानुभूति के लिए परिणीति ने झूठी बातें कही। लोग उन्हें कियारा सिद्धार्थ के जैसे ही जयमाला का फंक्शन करने पर भी जमकर ट्रोल कर रहे हैं। ये वीडियो 2017 के मार्शल आर्ट इवेंट का है। इस इवेंट में दिए इंटरव्यू में परिणीति ने कहा था, बढ़ती उम्र के साथ मैं और मेरे दोनों भाइयों ने बहुत चैलेंज फेस किया है। उस वक्त हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इस कारण मैं साइकिल से ही स्कूल जाती थी। बस या कार से जाना तो मुमकिन भी नहीं था, उस वक्त हमारे पास कार भी नहीं थी। इस वीडियो में एक लड़की के फेसबुक पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स भी है। उस लड़की ने खुद को परिणीति का क्लासमेट बताया है। उसने लिखा है कि ऐसी झूठी बातें करने पर शर्म आनी चाहिए, हाई सोसाइटी से आने के बाद भी वे कैमरे के सामने झूठ बोल रही है। मुझे लगता है कि हर सेलिब्रिटी ऐसा ही करता है। सहानुभूति के लिए उन्होंने कहा कि उनके पास कार और पैसे नहीं थे। हम दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे। मुझे याद है कि उनके पापा के पास कार थी। वो कार के बजाय साइकिल से इसलिए स्कूल आती थी क्योंकि उस वक्त साइकिल चलाना एक ट्रेंड था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।